दोस्तों नमस्कार प्रणाम। आप लोगों को अंजनी जी के किचन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मेरे किचन में बनने जा रहा है पापड़ा वाला बेसन का सब्जी, जो दर्शक लोग ने फरमाइश किया है। तो दर्शक लोग का फरमाइश तो हम सराख ऊपर रखते हैं और वो गांव देहात के तरीके से हम जो ये बेसन वाला सब्जी बनाएंगे उसमें हम ग्रेवी जो बनाएंगे वो सरसों डाल के बनाएंगे। हम इसलिए सरसों डालेंगे कि सरसों वाला जो बेसन का सब्जी बनेगा बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनता है। जो बेसन का सब्जी हम बनाते हैं गांव देहात में बरसात के मौसम में हम ज्यादा बनाते हैं। आइए बनाना हम स्टार्ट करते हैं। बेसन का सब्जी बनाने के लिए हम एक कटोरी बेसन ले लिए। बेसन 150 से 200 ग्राम के बीच में है। इसमें जो हम मसाला डालेंगे, पीला सरसों ले लिए हैं, काला गोलमरीच है जो हम 10-15 दाने ले लिए हैं, और ये जीरा और हरा मिर्च है जो पक गया है, और लहसुन का हम 8-10 कली ले लिए हैं, और छोटा टुकड़ा हमें अदरक का ले लिए। इस सब को हम सिल्वर पर पीस कर पेस्ट बनाएंगे और फोरन में हम डालेंगे प्याज, तेजपत्ता, टमाटर और ये दालचीनी और बड़ा इलायची और छोटा इलायची। मसाला में हम डालेंगे गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर। ये जो हम मसाला लिए हैं दोस्तों 150 से 200 ग्राम के बेसन में हम ये मसाला डालेंगे। आप अगर 250 ग्राम बेसन के बनाते हैं तो थोड़ा ज्यादा मसाला लगेगा, डालिएगा और उससे बहुत अच्छा रेसिपी बनेगा। तो चलिए आप बेसन का सब्जी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बेसन का घोल तैयार करेंगे। बेसन का घोल तैयार करेंगे, हम बड़ा सा कटोरा ले लिए हैं, इसमें हम बेसन डाल देते हैं। कलर के लिए हम हल्का हल्दी डाल देंगे, हल्का मिर्ची पाउडर भी डालेंगे, हल्का हम नमक डालेंगे। आप नहीं भी डालिएगा तो चलेगा, लेकिन डाल देते हैं ताकि जो अंदर में खाने के समय नमक का भी स्वाद जाएगा। कम पानी डाल के हम इसको घोल बनाएंगे ताकि इसमें गांठ ना हो। गांठ होने पर इसका जो हम पापड़ा बनाएंगे वो टूटने लगता है। तो पहले थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। कम पानी में हम जब मिक्स करेंगे तो इसमें गांठ नहीं पड़ेगा बेसन में। अच्छी तरह से हम घोल तैयार करेंगे। इसको घोल तैयार करने में हमको 2 से 3 मिनट लगेगा ताकि इसमें जो गांठ होगा सब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। अब हम हल्का हल्का पानी डाल के इसको हम न ज्यादा पतला करना है और न ज्यादा गाढ़ा हम रखेंगे। देखिए इसमें एक भी गांठ नहीं दिख रहा है, अच्छी तरह से हम मिक्स कर दिए हैं, इसमें गांठ नहीं दिख रहा है। हल्का हम और पानी डालेंगे, हल्के ही डालेंगे। इसका बेटर है से एकदम से हमको तैयार हो गया। देखिए जब हम बेटर गिराएंगे तो इस तरह से बेटर गिरना चाहिए, एक रंग बेटर गिरना चाहिए। देखिए दोस्तों बेसन का घोल फाइनली मेरा तैयार हो गया है। तो चलिए पापड़ा वाला जो हम सब्जी बनाएंगे तो पहले हम चूल्हा जलाएंगे। धरा लिए हैं तो चलिए हम पापड़ा वाला सब्जी बनाएंगे। तो पहले पापड़ा हम तावा पर बनाएंगे। तो तावा को हम गर्म होने देते हैं। तावा गर्म हो गया है तो हम पापड़ा बनाने के लिए सबसे पहले तावा में हम तेल लगाएंगे। सरसों का तेल हम लगाएंगे, आप कोई भी तेल में बनाइए, लगाइए रिफाइंड में। हम ही कटोरी के सहायता से हम इसमें डालेंगे और इसी से हम पूरा में पापड़ा के जैसे हम फैला देंगे इस तरह से। फिर हम साइड से इसको तह लगा कर मोड़ेंगे। फिर हम थाली में निकाल लेंगे। पापड़ा बना लिए हैं बेसन का जो हम रेसिपी बनाएंगे। तो मेरा जो ये बेसन का पापड़ा बन के तैयार हो गया है। तो जब तक मेरा ये पापड़ा ठंडा होगा और कढ़ाई हम चूल्हा पर डाल देंगे, जब तक कढ़ाई गर्म होगा तब तक लहसुन अदरक सरसों काली मरीच का हम पेस्ट बनाएंगे। तो पहले हम कढ़ाई चढ़ा देते हैं, धीमा आंच दे देते हैं, धीरे धीरे ये गर्म होगा
और ये धीरे धीरे ठंडा होगा तब तक चलिए हम पेस्ट बना कर ले आते हैं। मेरा सारा मसाला तैयार हो गया तो चलिए कढ़ाई की ओर चलते हैं और छोलनी डोला डोला के बनाते हैं। तब इसमें फोरन डालेंगे, तब हम फोरन में डालते हैं फिर हम जीरा भी डाल देंगे। जीरा को हम चटकने देते हैं, इसी में हम दालचीनी लौंग और बड़ा इलायची का हम फोरन डालेंगे। इलायची और दालचीनी और बड़ा लौंग जलेगा, खुशबू आएगा बहुत अच्छा। देखिए खुशबू देने लगा है। तो अब हम इसमें प्याज डालेंगे, प्याज भुना गया है तो हम ये पेस्ट है जो मसाला पीस के किया है उसको पहले फ्राई करेंगे। साथ ही हम ये धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और गरम मसाला को भी एक साथ फ्राई करेंगे। और टमाटर भी हम डाल देते हैं। स्वाद अनुसार नमक देंगे, नमक को हम ध्यान में रखते हुए देंगे क्योंकि हम बेसन में भी नमक डाले हुए हैं। हल्का पानी देंगे, मसाला को हम अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक इसमें से ऑयल नहीं छोड़ देगा तब तक हम इसे भूनना है मसाले को। ऑयल छूटने के बाद मसाला मेरा अच्छी तरह से भुना जाएगा। मसाला मेरा बहुत अच्छा तरह से फ्राई हो गया है तो हम रस के लिए पानी डालेंगे। तो पापड़ा वाला बेसन के सब्जी बनाने के लिए ग्रेवी बना के हम रस बनाने के लिए पानी डाल दिए हैं। तो 2 मिनट तक हम उस रस को पकाएंगे, उसके बाद हम बेसन में कट लगा के डालेंगे। तो ढक्कन से ढक देते हैं, जब तक मेरा रस पक रहा है तब तक हम पापड़ा बना के जो बेसन के रखे हैं उसमें कट लगा लेते हैं। तो कट हम पीछे पीस लगाएंगे इस तरह से, इस तरह से हम कट लगाएंगे। सब में इसी तरह हम कट लगा लेंगे, सारे में हम कट लगा लिए हैं। तो हम बेसन के पापड़ा जो बनाए थे इसको छोटा छोटा में हम कट लगा दिए हैं। तो देखते हैं मेरा जो रस है जो पका है कि नहीं। तो मेरा रस में उबाल आ गया है तो हम इसमें डाल देंगे। से 3 मिनट तक हम इसे और पकाएंगे ताकि बेसन में अच्छी तरह से रस घुल जाए तो खाने में स्वादिष्ट लगेगा। 2 मिनट के लिए हम ढक्कन से ढक देते हैं। दोस्तों 2 से 3 मिनट हो गया है तो देखते हैं पापड़ा वाला बेसन का सब्जी बन के तैयार हुआ है कि नहीं। तो मेरा बेसन का सब्जी जो है बन के तैयार हो गया है तो हम उतार लेते हैं चूल्हा पर से। बेसन वाला पापड़ा के सब्जी बन के फाइनली तैयार हो गया है तो चलिए हम सर्व करके दिखाते हैं। बेसन वाला पापड़ा के सब्जी जो दर्शक लोग फरमाइश किए हैं तो उनका फरमाइश आज हम पूरा कर दिए हैं। सब्जी बहुत टेस्टी और लाजवाब बना, एक बार मेरे तरीके से आप जरूर बनाइएगा और घर पे ट्राई करिएगा और पूरे फैमिली के साथ एंजॉय करिएगा। तो आप मिलेंगे अगले वीडियो में अगले रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।